भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुड लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं समस्याओं को लेकर के। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं गांव में, आइए यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं यूनियन के कि वो किस वजह से यहाँ धरना देने को मजबूर हैं, बताए। समस्याएं यहाँ ऐसे हैं कि जिस समय भूमि का इन्होंने अधिग्रहण करने का अपना मन बनाया तो ये समझौता हुआ था, लिखित में नहीं हुआ था, लेकिन वृंदावन में ये सबसे पहले समझौता हुआ था जिसमें किसानों को 5% ज़मीन दी गई है विकसित करके और मुआवजा भी सही ढंग से दिया गया। यहाँ अवध बिहार के अंतर्गत जो प्रभावित गांव हैं इनका सही ढंग से मुआवजा भी नहीं दिया गया है और इनको 5% भूमि नहीं दी गई है। इनके जो विकास कार्य होना चाहिए, इनका इनका भी अपना भविष्य है, इनके भविष्य के मुताबिक, इनके जीवन के मुताबिक यहाँ पर इनके साथ व्यवहार, इनके साथ कार्य होना चाहिए। वहाँ उच्च अधिकारी बैठे हैं लेकिन यहाँ ज़मीन पर कुछ और हो रहा है, तो ऐसी गलत बातों को देख करके किसान यहाँ बहुत पीड़ित है। काफ़ी बार ये धरना प्रदर्शन आवास विकास मुख्यालय पर भी लगा चुका है और वार्ता भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी किसानों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज यहाँ पर जो बैठक होने जा रही है ये किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर चर्चा होगी कि कैसे आर पार की लड़ाई का फैसला तय किया जाए, ये आज बैठक होने जा रही है। आज इस बैठक में आप लोग 5 जो सूत्री मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी जो जटिल समस्याएं उसके बारे में बताइए। जटिल समस्याएं हैं ये कि किसानों को जो सबसे ज़्यादा ज़मीन को मुआवजे के लेकर और जो मकान बने हुए हैं, जो रास्ते यहाँ सड़क पहले पुरानी बनी हुई थी उसको ख़त्म की जा रही हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, इस विषय में किसान अधिक ज़्यादा पीड़ित है। जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अभी तक दिया नहीं गया है, वो होना ये चाहिए। जो आदेश हुआ था कि मुआवजे का 4 गुना, जो सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं दिया गया है और आगे उम्मीद हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसानों को जो मुआवजा जो 4 गुना देने की बात हुई है, जो पारित हुआ है, उस संबंध में हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसानों को वो मुआवजा दिलाया जाए और मेरी यही हार्दिक इच्छा है और हम इसी के लिए आज किसान जो यहाँ पे बैठक हुई है, इस बैठक में हमारे बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे राजू भैया जी और हलीम भाई जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, आज यहाँ पे सब बैठे किसान की बैठक ये इसलिए हुई है कि हम आगे कुछ और क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए जिससे लड़ाई लड़ी जाए, आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती देने का काम करने किया जाएगा आज यहाँ पे और यहाँ इस बैठक में गठित किया जाएगा कि कहाँ पे हम लोग धरना लगाएंगे, कहाँ पे अपनी जनता को बुलाया जाएगा, वहाँ पे अपनी समस्या अधिकारी सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आए और अपनी बात हमारी बात को सुने और हमारी किसानों की समस्याओं को समाधान करें, मेरी हार्दिक यही इच्छा है और मैं इसी बात के लिए आगे अब मैं क्या कहूँ हमारे सक्षम अधिकारी जैसे कि यहाँ किसानों के लिए हक के लिए लड़ाई के लिए यहाँ यूनियन लड़ रही है कि कहीं उनको हक जो है सरकार दे, वार्ता भी हो चुकी है लेकिन फिर भी सरकार उसको अनसुना कर रही, तो आइए इनसे बात करते हैं किसान यूनियन राजू गुप्ता जी से, बताइए कि ये जो बार बार वार्ता के बाद और सरकार के आश्वासन के बाद कैसा आक्रोश आप लोगों में बना हुआ। अब ऐसा है कि इसके लिए समीक्षा बैठक है आज और आज तय हो जाएगा कि बड़ा आंदोलन होना है इसके लिए। बड़ा आंदोलन करने के लिए आज रणनीति आप लोग बना रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, यहाँ तो बैठक के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। एक बड़ी समस्या जो थी उसी को लेके यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए थे, जो गाँव की ज़मीन थी पानी भर गया था बारिश की वजह से, तो वहाँ पे जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को भी यहाँ के किसानों और नेताओं ने अवगत भी कराया था कि एक बड़ी समस्या है जो इसको पानी की निकास करा दें ताकि फसल हमारी बच सके, एक वो समस्या है। बाकी अवध बिहार आवास विकास से पीड़ित किसान यहाँ पर लगभग है ही हैं, तो उसी की बैठक यहाँ पर होनी है, उसी की बड़ी एक तैयारी करनी है, क्योंकि कई बार अधिकारियों से आवास आयोग से भी वार्ता हुई और उस वार्ता होने तक ही केवल सफल रहा, बाकी उसके बाद कुछ लगभग किसानों को कोई फायदा नहीं मिला।
तो उसी के लिए सब यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और कोषाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया ही। तो हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण यहाँ गांव में बड़ी लोग परेशान हैं, यहाँ पानी भर गया, वहाँ पानी भर गया, पलायन हो रहा है लोगों का, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सरकार कोई यहाँ सुविधा ऐसी मुहैया करा रही है आप लोगों को? देखिए, यही तो हमारा कहना है कि भाई विकास खूब करें, विकास करें तो जो गांव पहले से बसे हुए हैं उनकी भी तो कोई ना कोई रास्ता उनको देंगे एक अपनी कॉलोनी बसाने के बाद, और उनका जो पानी की निकास है उसकी भी तो करेंगे। बाकी जो हमारे किसानों की हमारी जो अन्य भूमि बची हैं जहां पर किसान अभी भी काश्तकारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके उसमें अगर पानी भरा रहेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र से है कि यहाँ पर जो है सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, ताकि इनकी फसल भी बच सके और यहाँ के किसान जो खेती कर रहे हैं उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो यहाँ पे आइए, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा नाम है रघुराई भैया। यहाँ क्या समस्या लेकर के आप लोग बैठे हैं? यहाँ समस्या है अंचल की भी है, आवास विकास की है, अवध बिहार की। अवध बिहार वालों की जो है क्या, जैसे पानी बरस रहा है तो जल भराव भी हो रहा है? जल भराव है, किसानों की चार चार बीघे, पांच पांच बीघे जमीन, धान की लगी फसलें सब बूढ़ गई हैं। और ये आवास विकास सरकार कोई मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रही है। ये कंपनी कह रही मैं क्या करूं, तुम्हारा मैं पानी नहीं निकालने से मजबूर, निकालने नहीं दे रहा है, और सबकी खेती बूढ़ गई है यहाँ पे, घरों में भी खराब हो चुकी है आप लोगों की। बिल्कुल 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 तो चली गई। मुआवजा या कुछ आप लोगों को? कुछ भी नहीं देने को तैयार है, सरकार भी नहीं तैयार है, और यहाँ के यहाँ तक कि घर के अंदर भी पानी जा रहा है, सेवाई में है, तकिया में है, क्या करें बेचारे, जैसे बनता तैसे रह रहे हैं। और यहाँ अंचल में एक घर है पीपल के नीचे, उसके चारों तरफ गड्ढा कर दिया अंचल वालों ने, और उसके उसमें पानी मच्छर पनप रहे हैं कीटान, और वो बीमारियाँ भी बीमारी हमारे आदमी के डेंगू हो गया, कम से कम नहीं तो 10-5 हज़ार रुपया लगा दिया है, लेकिन अभी तक सही नहीं है, अभी आज भी दवा आई है। तो पानी अभी तक के वो खाली नहीं करा गया है? नहीं, अपने ना चियंबर में डाल रहे हैं, वो भी गड्ढा खोद रहे हैं। प्रधान क्या करता है? प्रधान वो सुनता ही नहीं है, वो उन्हीं के मुताबिक है, पैसों से वो कम बंद है। पानी भर गया है, आवास विकास ने रेलवे लाइन की तरफ 18 मीटर रोड अपना निर्माण कर दिया। अच्छा। उसके और रेल विभाग ने एक बड़ी से पुलिया दे रखा था, लेकिन इसने आवास विकास ने एक कोई भी निकास जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण 5 गांवों में जल भराव बाढ़ जैसे हालात पैदा हैं, घरों में पानी घुस गया। भूमि आप लोगों की कब्जा की जा रही है? नहीं, भूमि नहीं कब्जा की जा रही, जो योजना के बाहर खेत हैं उन किसानों के फसलें जल निकासी की व्यवस्था से पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके जिम्मेदार पहले पानी निकल जाता था, पानी नहीं निकल पा रहा। पहले पानी उधर ही निकलता था आवास विकास की तरफ। अच्छा। उसने 18 मीटर रोड रेलवे लाइन की तरफ बना दिया, जिसमें से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की, नाले की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण 5 गांवों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस गया, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसका जिम्मेदार सिर्फ आवास विकास विभाग है। तो जैसे आवास विकास की वजह से यहाँ किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है। तो यहाँ किन समस्याओं को लेकर के आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या वार्ता चल रही है? यहाँ समस्याएं असल में आवास विकास मनमानी रेट में जमीन, किसानों जमीन ले लिया है 13.5 की, और बल्कि हमारे बगल में अवच्छेद में करोड़ों रुपये बीघा जमीन बिक रही है। हमारे अभी हमारा अंचल के अंदर अच्छा रेट है, हमारे यहाँ भी कटरा बक्कास में 3-3, 4-4 करोड़ रुपये बीघे जमीनें बिक रहे हैं, प्रेजेंट टाइम रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ 13.5 जबस्ती जमीनें ली जा रही हैं। सस्ते रेट पे आप लोगों से जमीन जो है आवास विकास ने ले ली है। बिल्कुल सस्ते रेट जमीन लिया है, बल्कि जो योजना आई थी उन्होंने कहा था तुमको 5% प्लाट विकसित करके हम लोग देंगे, वो भी नहीं दे रही है, और ना पुराने बने मकान छोड़ रही या सारी समस्या खड़ी कर दी है, और बिल्कुल मनमानी गुंडाई तरीके काम कर रही है। ये बहुत बड़ा यहाँ क्षेत्रीय गुंडे माफियाओं को ठेका देती है आवास विकास, हाँ क्षेत्रीय माफिया गुंडों को देते हैं, ठेका देते हैं, वो मन पर प्रधान कोई कार्यवाही करता है कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब यहाँ क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित होकर के अब एकत्रित हुई है, अब आगे कोई हमारे
भारतीय जनता पार्टी राजीव गुप्ता गुट की मीटिंग में आज बैठक हुई है, इसमें अब आगे कोई निर्णय लिया जाएगा, सभी पदाधिकारी सोच समझ के डिसीजन लेंगे इसमें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनकी मांगे जो पास सूत्री हैं वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, और आप हमारे उधर देख रहे होंगे जल भराव भी है काफ़ी। मैं अपने कैमरा मैन को आके लेके चलूँगा, जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि पानी का जल भराव है और लोग किसान परेशान हैं, क्योंकि आवास विकास के द्वारा इनकी भूमि जो है बहुत सस्ते रेट पे ले ली गई है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जगह जगह जल भराव आप देख रहे हैं भारी वर्षा के कारण हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। ये यहाँ पर मीटिंग जो किसान यूनियन की हो रही है, देश का एक भविष्य जिसे सरकार कहती है कि किसान अपने देश का भविष्य, कहीं ना कहीं सरकार ये बात भूल रही है कि अगर किसान नहीं होगा तो अनाज की पैदावार कहाँ होगी। इतनी खेती बर्बाद हो चुकी है जिसके कारण जो है किसान हताश हो चुका है, उदास है, मायूस है। सरकार को ये देखना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन आसिफ के साथ मेहमत आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।